कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश के 18 वर्ष से ऊपर के युवा एवं नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। उनका यह फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। उनके द्वारा इस फैसले के कारण से इस देश के नागरिकों को, युवाओं को कोरोना से निजात मिलेगी, कोरोना महामारी से लड़ने की ताकत मिलेगी, मनोबल मिलेगा, संबल मिलेगा। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं इस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा, जो दिवाली तक जारी रहेगा। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जो हमारे देश के नागरिक है, उनके काम धंधे बंद होने के कारण, रोजगार नहीं कर पाने के कारण से उनको अपना परिवार पालने में एक संकट सा पैदा हो गया है। इसमें जब ये राशन उन तक पहुंचेगा, मुफ्त राशन, उसके कारण से उनको उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। इस मुफ्त वैक्सीनेशन के कारण से देश में एक प्रतिबद्धता, लड़ने की ताकत कोरोना महामारी से आएगी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया, उनके लिए देश प्रथम है, देश की जनता प्रथम है, उनकी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। निश्चित रूप से इस देश में विपक्षी दलों द्वारा पूर्व में कोरोना वैक्सीन को लेकर के पहले असमंजस फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई, और बाद में राज्य सरकारों में जो कि विपक्षी दलों की जो राज्य सरकारें थी, उन्होंने अपना जो हिस्सा था, उनके द्वारा जो वैक्सीनेशन होना था, उस वैक्सीनेशन नहीं करवा करके 18 साल से ऊपर के और 45 वर्ष से नीचे के नहीं करवा करके देश के युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ अपना जो जिम्मेदारी थी उससे विमुख हुए। कोरोना की जो प्रबंधन थी, कुप्रबंधन उनकी असफलता को छुपाने के लिए उन्होंने इस वैक्सीनेशन को नहीं करवा पाने का जो उनकी जिम्मेदारी थी, उसका ठीकरा भी केंद्र सरकार पर फोड़ा। लेकिन मोदी जी द्वारा इस प्रकार का निर्णय करके ये साबित कर दिया कि वह तमाम राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है उसको छोड़ करके केवल मात्र देश और देश की जनता प्राथमिकता है, इसको उन्होंने आज साबित किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।